हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं कैसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है बिजली का बिल और जिसे लिखा है जावेद निहाल हाशमी ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। पहले इमर्सन हीटर, फिर इलेक्ट्रिक आयरन और अब तीन पंखों के बजाय दो का इस्तेमाल। बिजली के जिन जिन गैजेट्स के इस्तेमाल से बिजली बचाई जा सकती थी, जाहिद साहब ने उन चीज़ों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। शायद आपने बिल में अदा की जाने वाली रकम के अलावा किसी और इन्फॉर्मेशन पर कभी ध्यान नहीं दिया, उनके पड़ोसी अहमद साहब ने कहा। कौन सी इन्फॉर्मेशन? अरे गुज़श्ता 5 महीनों में बिजली की फी यूनिट चार्ज में दोबारा इजाफा हुआ है। मगर क्यों? जहाँ तक मुझे इल्म है, इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 6 महीनों में तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ, तो फिर ये इजाफा क्यों? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिजली कंपनी के ओनर्स के मुताबिक अगर उन्होंने ये इजाफा नहीं किया तो कंपनी घाटे में चली जाएगी। सब झूठ साल, ये सब गरीबों के खून से अपने घरों में एसी चलाते हैं। जाहिद साहब के लहजे में तलखी घुल गई। घर के करीब पहुंचे तो अपने कई पड़ोसियों को करीब के चबूतरे पर ताश खेलते हुए पाया। उन्होंने एक को इशारे से बुलाया। क्यों भाई, ये बेवक्त की अड्डाबाजी कैसी? हम सबों के घरों में अभी तक नाश्ता नहीं बना है। क्यों, सुबह से बिजली नहीं है ना? लेकिन मेरे यहाँ तो है। और फिर बिजली से नाश्ता का क्या ताल्लुक? आप भी क्या बात करते हैं, अब आपकी तरह हमारे यहाँ तो गैस कनेक्शन नहीं है। जब तक हीटर नहीं चलेगा नाश्ता कैसे तैयार होगा? तुम्हारे यहाँ हीटर पर नाश्ता तैयार होता है? जाहिद साहब ने हैरत से पूछा। अजी नाश्ता क्या, दोनों वक्त का खाना भी तैयार होता है और नहाने के लिए पानी भी उसी पर गर्म कर लेते हैं। अब वाटर हीटर खरीदने के लिए अलग से कौन खर्च करे? और बिजली का बिल? UPSC क्या मतलब? यानी अनलिमिटेड प्लान ऑफ शेखर चौधरी, उसने आंख मारते हुए कहा। शेखर दादा ने हुकिंग के जरिया हम सबों को कनेक्शन दे रखा है, 100 रुपये महीने, जितना इस्तेमाल करना है करो। पुलिस रेड नहीं करती? करती है ना, मगर पहले शेखर दादा को फोन कर देती है। आज ही सुबह सुबह शेखर दादा के लड़कों ने हुकिंग के तार खोल डाले और कहा कि 11 बजे से पहले लाइन नहीं आएगी। जाहिद साहब ने अपने बिजली के बिल पर निगाह डाली। उनके नाम के हरूफ तरतीब बदल बदल कर उनके पड़ोसी के नाम बनाने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।